हाय गाइस, शिखा देसी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बिना घी के हलवा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और गाइस, मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा बेसन और थोड़ा सा ले लिया है मैंने चीनी, यहाँ पे ले लिया है मैंने सूजी और यहाँ पे ले लिया है मैंने थोड़ा मलाई और इधर मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और उधर मैंने लिया है थोड़ा सा पानी। तो गाइस, कभी भी ऐसा होता है कि घी नहीं है तो आप बिना घी के इसको ट्राई कर सकते हैं। ये खाली मलाई से बनता है, अगर थोड़ा सा लगेगा तो इसमें हम 2-3 चम्मच दूध ऐड कर लेंगे, नहीं तो ये मलाई से बन जाएगा। मलाई ओबियसली घी छोड़ देती है। यहाँ पे ले लिया मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दूँगी मैं, अभी थोड़ा गर्म हो जाएगी, इसके बाद डाल दूँगी मैं इसके अंदर थोड़ा मलाई और यहाँ पे डाल दिया मैंने इसमें मलाई। मलाई को थोड़ा मेल्ट होने दे और जैसे ही मलाई मेल्ट होगी मैं डाल दूँगी इसमें सूजी और सूजी डालने के बाद थोड़ा घुमा लेंगे। उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें बेसन, बेसन को डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे, इसकी अच्छे से अभी भुनाई कर लेंगे। इसमें 3-4 मिनट लगेगी भुनाई करने में और ये थोड़ा बीच में ड्राई हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि ये ड्राई हो जाएगा तो ये ऐसे मत सोचो कि ये चिपकेगा, चिपकेगा नहीं। थोड़ी देर बाद ये घी छोड़ना शुरू कर देगा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसमें ये अच्छे से भुन जाएगा। इसको हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, घुमाते घुमाते अच्छे से 2-3 मिनट के लिए। देखिए मैंने भून लिया है, अच्छे से ब्राउन हो चुका है और इसको एक दो बार हल्का सा और घुमा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये भुन के तैयार है और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डाल दे अभी, इसको फ्लेम को स्लो करें, इसको डाल देंगे तो थोड़ा जो स्मेल आती है रखा रहता है ना वो चली जाती है और ये अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाते हैं। इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे हम चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चीनी और पानी का वो शरबत जो होता है पका के बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया, जैसे बनाए टेस्ट सेम ही होता है। और यहाँ पे अभी डाल दूँगी मैं इसके अंदर पानी, यहाँ पे पानी ले लेंगे, पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करें तो थोड़ा केयरफुली करें, छींटे आते हैं बहुत। इसको आराम से घुमा के जितना पानी है, मतलब जब आपको टाइट पसंद है तो आप पानी थोड़ा कम रखें और आपको लिक्विड थोड़ा पतला पसंद है तो आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम थोड़ा पतला खाते हैं, ज़्यादा पतला भी नहीं, थोड़ा ये बनने के बाद फिर थोड़ा टाइट हो ही जाता है, इसको थोड़ा पतला रखते हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस, मैं इसको घुमा रही हूँ, घुमाते घुमाते टाइट हो गया है। यहाँ पे थोड़ा आप बड़ा करछी ले ले, मैंने छोटा ले लिया हुआ है। ये हाथ पे छींटे आते हैं, इस टाइम पे गैस को स्लो रख के और इसको घुमाते रहे नीचे लगे ना, और इसको ऐसे हल्का हल्का घुमा के और जैसे आपको इसको टाइट पतला जैसे इसकी थिकनेस आपको रखनी है उसी हिसाब से आप इसको बंद कर सकते हैं। वैसे भी दो तीन मिनट से ज़्यादा लगता नहीं है, 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाता है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं इसको घुमा रही हूँ, हल्का सा मैं इसको और पका लूँगी और पकाने के बाद फिर मैं इसको फ्लेम को बंद कर दूँगी। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे हलवा बनके बिल्कुल तैयार है और हम यहाँ पे कर देंगे फ्लेम को बंद और इसको अच्छे से घुमा लेंगे एक दो बार। और फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसकी कर लेंगे अभी यहाँ पर प्लेटिंग, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसकी प्लेटिंग। तो गाइज़, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।